रुपए 100 रुपए कितने रुपए आया? 100 रुपए मतलब आज क्या भगवान से मदद मांग के आए थे क्या 100 रुपए? अभी ये इसकी नई चीज है पिज्जा पराठा फ्रेंड, तो देखते हैं। वाओ पनीर बर्गर की है, कुछ सारी सी डोमिनोज करनी है फ्रेंड, तो फाइनली 24/7 मुझे यार डोमिनोज करनी है यार। मैं पहिया इस बार का 500 रुपए नहीं लेके आया तो पहियों को तोड़ दूंगी। तो चलिए खोलते हैं। और पता है डोमिनोज वाले ने क्या कर दिया है, बैग के भी पैसे लेने लगे 10 रुपए बैग के। तो बैग नहीं लिया ना मैंने, मैंने पैसे बचा लिए। भाई जिंगी पर्स छोटा कर दिया कितना वो नहीं आप पता है फ्रेंड्स, मैं चीटिंग करूंगी 500 रुपए लग के आऊंगी देखिएगा। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल अमेजिंग देसी किचन। मैं अंकिता एक बार फिर से आप सबका हमारे अपने चैनल में स्वागत करती हूं। एक बार फिर से कुछ अनोखा कुछ नया मेरा कैमरामैन मेरे लेके आया है। पता नहीं मुझे मुझसे कह रहा था आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। अब पता नहीं फ्रेंड्स क्या तो बताओ मेरे कैमरामैन क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है तो बताओ। आज मैं सोच रहा हूँ कि यार तुम्हारे लिए मैं चैलेंज जो लेके आया हूँ वो एक्चुअली मेरी वो डिजायर नहीं है, वो व्यूअर्स डिजायर है। अच्छा क्या? तो व्यूअर ने विश की हुई है कुछ की है, बहुत टाइम से कुछ एक 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 दो व्यूअर ऐसे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि डोमिनेंस करो डोमिनेंस करो डोमिनेंस करनी है फ्रेंड। तो फाइनली 24/7 मुझे यार डोमिनेंस करनी है याहू। करना क्या आज तुम्हें, तुम्हारी किस्मत डिसाइड करेगी तुम क्या खाओगी। कुछ भी ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा भैया ये तुम्हारा है किस्मत का पहिया। ये पहिया इस पहिये से क्या करना है? करना क्या है सिंपल सा, इसको व्हील को तुम्हें क्या करना है राउंड करना है। राउंड करने में जिस भी फिगर पे आएगा तुम्हें उसके अंडर में उतना या उसके अंडर में ही तुम्हें खाना है। खाना है एक बार बताओ, एक बार बताओ, रुक जाइए रुक जाइए फ्रेंड। 100 रुपए में डोमिनोज में क्या मिलेगा ये बताओ, अगर 100 आ गया तो क्या होगा? मुझे 150 रुपए 100 रुपए 500 रुपए 500 आना 500 आना 500 आना ब्रेकफास्ट 500 रुपए। हाँ 500 रुपए। और ये भी बात, एक चीज और भी है कि जो नंबर एक बार आ जाएगा तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। पहला 500 आने लगे तो पहला 500 में 2000 रुपए तुम 2000 रुपए करोगे। तो मतलब एक बार जो मनी आ जाएगा दोबारा नहीं करनी है, दोबारा वो चीज नहीं होगी। यानी ब्रेकफास्ट में अगर मान लो 100 रुपए अगर आ गए या 200 रुपए आ गए या 500 रुपए आ गए तो 500 दोबारा जब अगर तुम लंच करोगे तो 500 दोबारा वो वैलिड नहीं होंगे। नहीं वो वैलिड नहीं होंगे। मतलब इतना अच्छे से डोमिनोज सब मेरे फ्रेंड्स ने चैलेंज कहा था, मैं इतना अच्छा चैलेंज कर, मैं इतनी खुश थी कि यार डोमिनोज मिलेगा पूरे दिन में बढ़िया बढ़िया चीजें खाने वाली थी उसमें। ये देखो ट्विस्ट फ्रेंड, अपनी किस्मत का चक्कर जो है घुमाओ। तो चलिए फ्रेंड 1 2 3 भगवान 500 रुपए आना मजा आ जाएगी। घुमाते हैं ये 150 150। Oh, no. में ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा? वो भी कहाँ? मैगडी में, डोमिनोज है मैगडी। यार कह रहा मैंने कभी दिमाग खराब हो गया। तो डोमिनोज में चलते हैं और 150 रुपए में देखते हैं क्या मिलता है। 150 रुपए से कम या ज्यादा हो, कम मतलब 10 रुपए 20 रुपए कम हो गए तो मानोगे? मतलब 150 रुपए के अंदर ही खाना, अंदर ही खाना से ऊपर वाला। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो डोमिनोज में अपना ब्रेकफास्ट देखते चल के 150 रुपए में क्या ब्रेकफास्ट मिलेगा। आइए फ्रेंड्स चलते हैं। फाइनली मैं आ चुकी हूं डोमिनोज से। मेरा क्या आया था ब्रेकफास्ट के लिए 150 रुपीज, और 150 रुपीज में डोमिनोज के अंदर गई, मुझे कुछ नहीं मिला, थोड़ी बहुत चीजें मिली मुझे खाली, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, मेरा हुआ है टोटल 130 रुपीज का। तो आप देख सकते हैं हाँ 150 के अंदर ही है। तो चलिए खोलते हैं। और पता है फ्रेंड डोमिनोज वाले ने क्या कर दिया है, बैग के भी पैसे लेने लगे 10 रुपए बैग के। तो बैग नहीं लिया ना मैंने, मैंने पैसे बचा लिए। भाई जिंगी पर्सल छोटा कर दिया कितना वो। और एक क्या है, ये मेरा टाको खुल जा सिम सिम। तो ये हमारा वेस्ट टाको है फ्रेंड्स, ये देखिए खुल चुका है। वाओ ये अच्छा लग रहा है। तो पकड़ो कैमरा मैन, मेरी थोड़ी हेल्प करो। तो नहीं खाने के लिए नहीं दे रही हूँ मैं, तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। खाना नहीं। तो ये फ्रेंड्स ये जिंगी पार्सल गरम गरम मैंने जल्दी से लेकर जल्दी से यही शूटिंग कर लेती हूँ। अरे क्या बढ़िया जिंगी पार्सल है। ये टाको में क्या लगा रहा है? टाको में कबाब लगा रखे हैं। वाओ वेज कबाब है। वेज कबाब है। क्रंच देखिएगा फ्रेंड्स पहले। दोनों कितने कितने मिले हैं? ये 71 का, 45 का। अब मैं कोशिश करूंगी कि मुझे 500 रुपए आए। नहीं आएंगे 100 रुपए, 100 रुपए तो आ ही नहीं सकते। फिर इस वजह से मैंने अपना बढ़िया सा ब्रेकफास्ट जो है
कम पैसे का एंजॉय किया। अब मैं मिलती हूँ अपने किस्मत के चक्के पे, तब मैं मिलती हूँ अपने किस्मत के पहिए के साथ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पहिया फिर से मैं आ चुकी हूँ कहाँ पे, लंच टाइम में बड़े 100-100 मतलब 150 रुपए में क्या मिलेगा आप जानते हैं। भगवान 300 आ जाना, 350 आ जाना, 400 आ जाना, कुछ आ जाना। 100 रुपए नहीं, आपकी बार कितना पिछली बार आया था? 150। आपकी 100 आ जाए तो मजा आ जाए। नहीं नहीं नहीं, 100 रुपए में लंच, 100 रुपए में क्या मिले, कुछ नहीं। चलिए फ्रेंड जल्दी अपने पहिए को घुमाते हैं, देखते हैं क्या आता है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ये 100 रुपए। ठीक है तो फ्रेंड अब बताइए आपकी 100 रुपए में, मतलब आपने डोमिनोज खाता है, डोमिनोज में ये नहीं खाता कि ये इसमें ये ट्विस्ट घुसेड़ दो भाई, ये तो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं लंच के लिए और 100 रुपए में देखते हैं, 100 रुपए में शायद एक कैमरा वहाँ पे पिज्जा मिल सकता है हमको, तो पिज्जा हमको हाँ बहुत बड़ा इतना बड़ा पिज्जा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और लंच के लिए अपने राजा वाला लंच करते हैं 100 रुपए। चलिए आइए फ्रेंड चलिए। तो फ्रेंड्स फाइनली दोपहर में मुझे कितने रुपए का पिज्जा खाना है, 100 रुपए का। तो आ चुकी मैं यहाँ पे फिर से देखिए डोमिनोज में, तो चलिए चलते हैं। और ये डोमिनोज मैंने देखा है तो ये टेक अवे है, तो मुझे लेके बाहर ही खाना पड़ेगा, अंदर बैठ के नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए देखिए मेरा डोमिनोज से पिज्जा आ चुका है, पता है क्या मिला है, 89 रुपीज का एक पिज्जा मिला है फ्रेंड, और टैक्सेस लगा करके 94 हो गया। और मैंने 1 रुपए का टोमेटो सॉस लिया है, क्या मेरा टोमेटो सॉस होगा, ए खुल जा ये बहुत एकदम स्टिकर ऐसे लगा देते हैं, खुलता ही नहीं है। तो ये आ गया हमारा कैप्सिकम पिज्जा फ्रेंड, गरीबों को यही मिलेगा फ्रेंड, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है गरीबों को, यही मिलेगा 95 रुपीज में यही मिला है भैया, 5 रुपए बचे। तो चलिए देखते हैं अपने पिज्जा पे, थोड़ी सी अपनी सीजनिंग डालते हैं ये अपनी बढ़िया सी। और पता है सस्ते पिज्जा वाले पे लगता है कि ये लोग सिर्फ क्रस्टी क्रस्ट दे देते हैं, ना इसके ऊपर चीज लगाते हैं ना कुछ मसाला लगाते हैं, पता मैदे का लगता हाँ, है सिर्फ क्रस्टी क्रस्ट होता है मोटा मोटा बस। 100 रुपए किलो मैदा बेच रहे हैं तो चलिए खाते हैं अब इसको, बताते चीज फुलते इसमें होगा नहीं फ्रेंड, मैं पहले बता देती हूँ। डोमिनोज में शिकायत करनी चाहिए, बताया क्या ये कंप्लेंट करनी चाहिए, ये लोग सिर्फ लगता है चीज दिखा के वापस कर लेते हैं। ठीक है नहीं अच्छा लगा मुझे, फिर भी तुम्हारा लंच अच्छा हो गया 100 रुपए में यार। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो स्ट्रीट साइड के पिज्जा खाते हैं फ्रेंड्स वो ज्यादा अच्छा बनाते हैं, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड इस तरह से मैंने अपना 100-100 वाला लंच जो है वो कंप्लीट कर लिया, मुझे डोमिनोज का पिज्जा नहीं पसंद आया। तब मैं मिलती हूँ आपसे ब्रंच टाइम में बढ़िया से स्नैप, भगवान 400 रुपए आ जा रहा, 500 रुपए आ जा रहा, कम से कम कुछ लगता है खाते जाऊं, किस्मत का चक्कर घूमेगा, देखो हो सकता है शायद फिर सोचता है कि सस्ता कुछ आ जाए या महंगा। नहीं नहीं 400-500 रुपए लग कुछ, मैं चीटिंग करके लाऊंगी और 400-500 रुपए लेके आऊंगी भैया, लाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स फाइनली अपना 100 रुपए का लंच करके मैं अपने घर चली गई थी आराम करने के लिए, 100 रुपए में क्या मिलता है जानते हो। तो उसके बाद हम आ चुके हैं ब्रंच टाइम में, शाम हो चुकी है और पानी गिरने वाला लग रहा है, आज चैलेंज लग रहा हो नहीं पाएगा, मैं जीतने वाली हूँ। पहिया आ गया है, पहिया मेरा किस्मत का पहिया फ्रेंड देख लीजिए, फिर मेरे पास आ चुका है 200 रुपए में क्या करना है, 200 रुपए में ब्रंच, अरे 100 रुपए से तो ज्यादा ही है, 100 रुपए से तो ज्यादा ही है फ्रेंड्स, है कि नहीं, 100 रुपए में लंच किया तो 200 रुपए में ब्रंच तो मिल ही सकता है। किसी ने 500 रुपए नहीं लिखे, हम तो कह रहे हैं हाँ नहीं, और पता है फ्रेंड्स मैं चीटिंग करूंगी, 500 रुपए लेके आऊंगी देखिएगा, अब मैं चीटिंग करूंगी 500 रुपए लेके आऊंगी डिनर के टाइम में, मैं कुछ ना कुछ करके 500 रुपए दो बार घुमाऊंगी। एक ही वाला हुआ है ठीक है, तो आइए चलते हैं डोमिनोज ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स ब्रंच टाइम के लिए मैं अपनी नेक्स्ट डोमिनोज पे आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, पता नहीं मुझे शूटिंग करने अंदर देंगे कि नहीं देंगे मुझे नहीं पता। चलिए हम चलते हैं अपने ऑर्डर देते हैं, मेरे पास तो इसमें ब्रंच के लिए 200 रुपए है भाई, 200 रुपए देखते 200 रुपए में, लेकिन डोमिनोज बहुत महंगा है, 200 रुपए में क्या मिलेगा पता नहीं मुझे। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं ऑर्डर करते हैं, पहले कैमरा ऑफ कर दो पता चले अभी अंदर ना घुसते थे, कैमरा बंद कर दो। फ्रेंड्स देखिए देखिए फाइनली मेरा ब्रंच आ चुका है, यम्मी सा और टेस्टी सा, और ब्रंच मेरा हुआ था 200 रुपीज़ का मुझे करना था, तो ये हुआ है 207 का, ये देख सकते हैं। लेकिन अब ये कहा जाएगा कि 7 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गए, तो 7 रुपीज़ टैक्सेस है वो मेरे कैमरा बैन करेंगे, कौन भी करेगा। मेरा मेरा बढ़िया सा पास्ता यार खोलने के लिए नाइफ बाइट करना चाहिए।
ये तो सिंपल से मैंने दो चीजें ऑर्डर करी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पास्ता तो मेरा बहुत टेस्टी लग रहा है। ऑलिव पड़े हैं, कैप्सिकम पड़ी है और कैरेट भी पड़ी है। मशरूम डाल देते हैं तो मजा आ जाती है, मशरूम तो नहीं डाले। ये उठाते हैं अपना पास्ता खाते, पहले तो पास्ता ही हम खाएंगे आई बहनों के साथ। मुझे पानी आ रहा है, मेरे कैमरा में कभी आ रहा है क्यों कैमरा में दिखा के वापस लिया था। मैंने अपना बढ़िया सा ब्रंच जो है कंप्लीट कर लिया। अब मिलती हूँ आपसे डिनर टाइम में पहिए के साथ। अब मेरा पहिया इस बार 500 रुपये नहीं लेके आया तो पहियों को तोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने अपना ब्रंच जो है कम्प्लीट कर लिया। तो फाइनली अब मैं चलती हूँ अपने चक्रे की तरफ। लव ये कैमरामैन मेरा चक्रा ही, ये मेरा चक्रा फ्रेंड फिर से आ गई। मेरा ये किस्मत का पिटारा, पता नहीं था ऐसे घूम रहा है, इसको ऐसे घुमाते मान लेती हूँ 250। तो चलिए फ्रेंड्स घुमाते हैं इसको, देखते हैं 400 रुपये किससे आ गया ये। फाइनली फ्रेंड्स 400 रुपये आया है। अब जाके मैं डोमिनोज में कुछ अच्छा सा खा पाऊंगी। थैंक यू 400 रुपये आने के लिए। थैंक यू 400 रुपये आने के लिए, जाके मैं डोमिनोज में कुछ अच्छा सा खा पाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत ढूंढने के बाद आज टाइम देखिए फ्रेंड्स मुझे डिनर के टाइम में क्या हो रहा है, 8:20 देख सकते हैं आप। डिनर करते करते बहुत टाइम हो गया, तो फाइनली मुझे एक डोमिनोज और मिल गया है, वो भी मिला मुझे सेक्टर 16 नोएडा में, बहुत ढूंढने के बाद, क्योंकि अलग अलग डोमिनोज जाना था कि डोमिनोज शाम तक खा नहीं सकते थे। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं अगर भैया कैमरे का अगर अलाउ कर दिया तो आपको शूटिंग मिल जाएगी, वरना पता नहीं फ्रेंड। आइए चलते हैं ऑर्डर करते हैं कुछ। फ्रेंड्स फाइनली मैं अपना ऑर्डर लेके देखिए आ चुकी हूँ। wow. 400 रुपये का था, लेकिन 400 में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, मैंने बहुत ढूंढ की, बहुत ढूंढा। तो मुझे मैंने फाइनली क्या लिया है, ये हमारे क्रिंकल फ्राइज है, ये बड़े कंपनी के। कितने मिले वैसे ये भाई जो है? 79 रुपीज़ के। और ये है हमारा खुलजा सिमसिम, खुलजा। ये है हमारा एक कौन सा पिज्जा था, पिज्जा पराठा, दिस इज पिज्जा पराठा एंड दिस वन इज थोड़ी तो रहम कर दो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सुबह से पिज्जा के साथ, कोल्ड ड्रिंक आउटसाइड की फूड अलाउ नहीं कर रहे, मेरे को बाहर से कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली और कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, खाली खाली कैसे खाऊ। सबसे पहले प्राइस लेते हैं, थोड़ा सा टोमेटो सॉस तो डाली है एटलीस्ट। नई चीज है पिज्जा पराठा फ्रेंड, तो देखते हैं। वाओ पनीर बटर रखी है कुछ सारी सी, और उसके अंदर मोज़रेला भी स्टफ है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है यार। तो चलिए वाह इसमें चीज पुल आया है, ये देखिए इसमें आ गया चीज पुल, थोड़ा सा आया है लेकिन आ गया। तो देखिए ये देखिए फिर चीज भी बाहर है, तो चलिए इसको खाते हैं पहले। कैसा टेस्ट है इसका? कुछ खास नहीं है, मामा पनीर है और अंदर उसकी मेयोनीज वगैरह इस टाइप पर रखी है बस, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। नॉर्मली हमारा जो पिज्ज़ा होता है उसी का बेस जरूर बनाती है, उसके अंदर पिज्ज़ा बेस पर ये अच्छा है, खाने में टेस्टी न्यू चीज़ है। चलिए ये उठाते हैं, ये क्या है, ओनियन पिज्ज़ा। ये है ओनियन पिज्ज़ा, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें डोमिनोज का टेस्ट आया, अच्छा है पिज्ज़ा,
लेकिन जो मैंने ब्रंच में खाया था उनका पिज्जा बहुत बेस्ट होता है, बहुत बेसी बेसी लगा था जी मेरा था। मैंने बढ़िया सा पिज्जा खा करके अपना डोमिनोज चैलेंज चैलेंजर है वो पूरा कर लिया फाइनली 400 रुपये में। लेकिन 400 रुपये बहुत कम होते हैं ना डोमिनोज में, बहुत पैसा लगता है। मतलब आपके पास अगर आपको अच्छा सा हैवी ऑर्डर करें तो आपको 1000 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे, तब आप बढ़िया सा हैवी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब मुझे लगा था 400 रुपये में ऑर्डर कर लूँगी, लेकिन 400 रुपये में ऑर्डर नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरह से फाइनली मैंने डोमिनोज का अपना चैलेंज है, बहुत मुश्किल चैलेंज था, आप कंप्लीट किया। देखेंगे फ्रेंड्स कितना टाइम हुआ है। वाकई में ये देखिए 9:25। अगर आपको मेरी ये डोमिनोज वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, घंटा जोड़ दबाना, घंटा ही दबाओगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, बाय। It's like a family.